बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो दोनों के बीच खूब जानता है। दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो इंटरेस्टिंग है। रमज़ान में थोड़ी भाग दौड़ है, तो बहरहाल बहुत ही अच्छा व्लॉग है, इंटरेस्टिंग है, आपके देखने का होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ये एक दो दिन की बात है कि हम जब यहाँ ऑफिस से छुट्टी के बाद हम जा रहे थे कि रास्ते में अचानक ही एक सांड आया, जिसको हमने जो है ना वो पकड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो हमारी कोशिश कामयाब हो गई और हमने उसको पकड़ लिया। तो चलिए हम आपको वो दिखाते हैं कि हमने कैसे पकड़ा और कैसे भाग दौड़ करके उसके पीछे ला के उसको जो पकड़ा। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, जैसे हर वीडियो में आपसे गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मौजूद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे कोई पैसे या कोई आपका जो है नुकसान या खसारा वगैरह नहीं होगा, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि हमने सांडा कैसे पकड़ा। चलिए शुरू करते हैं। लो जी, हम आज आपको सांडा पकड़ रहे हैं। सांडा किधर है? अठास के अंदर है जी, इधर सांडा है, आपको पकड़ के दिखाते हैं। जुब कहते हैं अरबी में, जुब कहते हैं इसको। इसकी इसी घास के अंदर है, अचानक हम आए तो हमने देखा। बकर किधर? आजा इधर ही, इसी घास में है। चल तू पकड़ा, शेर बन है किधर है? तू डाल के गर्दन से पकड़ ले। वो है वो है, अबे वो है वो पत्तों के नीचे। हाँ, ये रहा मुंह निकाला हुआ, मुंह निकाला हुआ उसने। आगे पड़ा तू वाले लेके तो पकड़ गया। गर्दन से पकड़ लो, तू ऊपर डाल के ना आंखों पे, गर्दन से पकड़ लो। ओ कोई चीज मारो उसको। मार दिया, पकड़ लिया। ले कपड़ा ले आओ जल्दी, फटाफट कपड़ा ले आओ। आखिरकार हमने इसको पकड़ ही लिया, जुब को फंस गया, पकड़ा जाएगा, फंस गया, अच्छा खासा फंस। देख के उसमें करंट भी होती है ना, फर्स्ट टाइम रमजान में इतना दौड़े। जब निकला सारे पर बाग बड़े हैं। अरे 200-300 रियाल गई है। 300-400 ग्राम से बिके। मतलब तेल के लिए पैसे गए। पेट्रोल के पैसे। पकड़ा है? मैं कहा ये भी थक गया। ये रह गर्दन पकड़ ले। तू मैंने पत्थर फेंका ना, वो पत्थर लगा उसको जाके। गर्दन नहीं छोड़नी, बस फिर ये गर्दन ना छोड़ी, फिर नहीं जाता कहीं। बस ये चीज, इसके कपड़े ऐसे। अब इसको कहाँ रखेगा? ये 300-400 रियाल का। ये इधर करना बकर, वीडियो तो इसकी बना दे। कपड़ा तो उतारना इसका। मेरे को डर लगता है। तो नहीं डर कुछ नहीं होता। कपड़ा ना ये नाजरीन, ये है, हमने इसको पकड़ा। इसको जुब कहते हैं अरबी में जुब कहते हैं। और इसको ये नीचे पत्थर लगा है, भागा इसने हमको भगाया। और ये इसका लंबा लंबा नाक भी लगा हुआ साला। हां ये देखो जी, ये है, छूट गया ना गैप। अबू बकर हिंदी नहीं आता रहा ये, अब ये फंस गया तो काबू आ गया। हेलो, ये है अबू बकर, इंडिया से है।
तो इसने इसको पकड़ा है, नीचे रखो ना इसका मुंह दिखाना। ये देखो सांडा है, इसको पंजाब ये इसका मुंह है। तेरे आगे मैं, हमारी तो नहीं आई अभी। जी दोस्तों, हमने आखिरकार इसको पकड़ कर अभी एक पिंजरे में कैद कर लिया है। ये है जिसने हमें बहुत भगाया, खुद भी बड़ा भागा और खुद भी भागा रमजान में, और हमने बिलाखिर इसे बहुत मेहनत के बाद चमड़ी इसकी किस तरह की पकड़ लिया है। अजीब सी चमड़ी है इसे अरबी में जुब और वैसे उर्दू पंजाबी में सांडा कहते हैं, जिसे आजकल अब नहीं जाता है। कितना भागा था मैं इस जिंदगी में, इतना नहीं भागा मैं। पहला बार भागा वहां फंस गया ना, वो मान लिया अच्छा हो गया ना कर। हां अभी अगला गुस्से में है, फायदा नहीं इतना जोर आजमाई का, पानी भी जरा बोलना, क्या फायदा इतना गुस्सा करने का, आराम से धीरे से सबड़ी सबड़ी देखना अभी लग जाएगा। क्यों इतना गुस्सा करते हो? मैं भी इतने दिन से सोच रहा था कोई ब्लॉग बनाऊं, किस चीज़ पे बनाऊं, तो तुम भी क्या हैं?